सत श्रीकाल तेज रहना ते साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज मैं मंडी डबवाली दे हल्के चा जिथे इस वक्त मेरे नाल बहुत दिग्गज एक मेहमान साढ़े जुड़ रहे हैं, सिरसा तो सांसद चरणजीत सिंह जी रोड़ी, जो कि INLD दे उम्मीदवार सिरसा तो इस बार चुनाव मैदान में एक बार फिर तो हैं। असं उन्होंने विस्तार नाल गलबात करने की कोशिश करा। रोड़ी साहब, सब तो पहला तेज रहना ते बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोड़ी साहब। किस तरीके का समर्थन परमा हुंगारा तुहानू मिल रहा है, किस तरीके की लहर है जी चल रही है, तुसी फिलहाल सारे पिंडां च डोर टू डोर जा रहे हो, जनसभावां नूं संबोधित भी कर रहे हो? तो देखो, अज जो चुनाव हरियाणे का 12 मई नूं होण जा रहा, लोक सभा का चुनाव, 17वीं लोक सभा चुनाव के परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मैनू एक बहुत बड़ा समर्थन दे के सरसा सीट तो पार्टी का उम्मीदवार बना के भेजा। और अज चुनाव प्रचार की गल है कि अज चुनाव मैं डबवाली हल्के दे कम से कम भी 20-22 पिंड है जिहड़े वो कवर करने हैं। मेरा 10वां 11वां जो पिंड है मटदादू पिंड विच खड़ा आ रहे, तो पार्टी वालों बहुत बड़ा समर्थन, कार्यकर्ता साथियों का, जिम्मेवार साथियों का, मेरे नाल हलका अध्यक्ष जी खड़े हैं विनोद अरोड़ा जी, इन्हां दी मेहनत, बहुत कार्यकर्ता की मेहनत अजे दर्शा रही है कि डबवाली हल्के दे विचों बहुत वड्डी लीड लैके इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी निकल रहा है, क्योंकि परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवी लाल जी दियाँ गतिविधियां है जो उन्होंने काम किए, उन्होंने कामों को देखते हुए आज इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के हर कार्यकर्ता जुड़ रहे, हर कार्यकर्ता है जिहड़ा डोर टू डोर पार्टी नूं एक बहुत टाइम यानी कि हर रोज़ 12 घंटे के 7-8 घंटे हर एक पार्टी के जिम्मेवार साथी अपनी निभा रहा है, तो पार्टी को बहुत वड्डी लीड मिलने की आस है। रोड़ी साहब, एक तुसीं टैगलाइन दे नाल अगे बढ़ रहे हो जिथे लिखा है कि मैं हाँ रोड़ी, मैं हाँ लोकदली, जन जन की पुकार रोड़ी इस बार फिर, कि सर ये कहना क्यों पिया कि मैं ही हाँ रोड़ी, मैं ही हाँ लोकदली? रोड़ी मेरा पिंड, मैं शुरू तो लोकदल, मेरी उम्र कम से कम 49 साल की होगी, मैं 19-20 साल तो ही पार्टी सैक्रिय हो गया सीगा, क्योंकि मैं सरपंच बनया, फिर जिला परिषद बनया, MLA बनया, हुण मैं चुनाव MP का लड़ रहा, पहला मैं MP बनया, तो मैं लोकदली हाँ पूरा अपने आप नूं, मैं क्यों लोकदली कहण दी आदत पई, ये तो असीं तो अपने आप नूं लोकदली समझते हैं, ये कोई दो रह नहीं। रोड़ी साहब, टक्कर फिलहाल तुसी किस ना मानते हो अपने आप नूं, क्योंकि तुसी एक हमेशा गल कहने हो कि रिकॉर्ड मेरे मैं खुद तोड़ने हैं, खुद बनाए तो उसनों खुद ही तोड़ देने। तो देखो, एक तो इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी जिहड़ी सदा तो लैके जां तां कोई रैली होवे, जां कोई प्रदर्शन होवे, जां कोई धरना होवे, वो अपने रिकॉर्ड आप तोड़दी हुंदी है, कोई बड़ियां बड़ियां रैलियां देख लो, तो लेकिन उही रिकॉर्ड साडा पिछले कि 1.25 लाख का रिकॉर्ड कार्यकर्ता साथियों ने बनाया सीगा, कार्यकर्ता साथियों जिस तरह पिछे मेहनत करी सी उही मेहनत नूं लैके अज भी उही मेहनत कर रहे हैं। अज हर एक कार्यकर्ता घट तो घट भी 6-6 घंटे सवेरे 6 बजे देखा मैं कुरंगावाली दे विच 20 किलोमीटर तो आके 10 बंदे कार्यकर्ता साथी आके कुरंगावाली दे विच 100 बंदे ने डोर टू डोर करिया, कि वह लोकदली इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के वर्कर है तो ही कर, जब 6 बजे अजकल कौन उठता, लेकिन वह परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की गतिविधि देखते हुए, उन्होंने कामों को देखते हुए अज भावें चौटाला साहब जेल चा, लेकिन कार्यकर्ता साथी है जिहड़े वह इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के नाल है। रोड़ी साहब, पिछले एक चैनल वालों तुहाडा स्टिंग ऑपरेशन किया गया और ईमानदारी का सर्टिफिकेट, इस कहण एक गल सानू कहनी पवेगी कि तुहानू वाकई च सबूत की जरूरत नहीं है, मिल गया है, कि लगता है पार्टी का दो विचारधारा के वटांदरा हो जाना एक लोस लगता तो कितने ना कितने कि अगर आज एकजुटता होंगी तो शायद? तो देखो, जिहड़ा ये जिहड़ा ऑपरेशन होया ईमानदारी का मिल, मेरा सत्कार होया जिथे मेरा होया उथे पार्टी का हो, इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी का होया, परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का अज हिंदुस्तान दे विच नाम गया कि इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी का जो MP है वो 1 नंबर दे आया, पार्टी का सत्कार होया। जितों की गल परिवार की गल, तो परिवार की गल करते हो, परिवार अज इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बैठे ने, जदों तक चौटाला साहब बैठे ने इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी का कोई भी स्टेट बॉडी है, चाहे जिला बॉडी है, चाहे ब्लॉक लेवल की बॉडी है, अज तक कोई भी कार्यकर्ता छड के नहीं गया, जे कोई छड के गया गा मेरे वर्गा लालची MLA है, कोई लालच लालच गया भी मैं उधर तो टिकट मिल जूगी, लेकिन मैं ये कहना गा जिहड़ा चौटाला साहब ना दगा करदा वो कदे भी बहाल नहीं होगा, उहदी जिंदगी विच बहुत रोड़े आउणगे। एक उदाहरण है पिरथी नंबरदार, दूजा उदाहरण रणबीर गंगूआ, चौटाला साहब ने एडा मान सम्मान दिता पिरथी नंबरदार नूं, 2 बारी MLA बनाया, गंगूआ जी नूं राज्यसभा मैंबर बनाया, MLA बनाया, लेकिन अज उह पार्टी नाल दगा करके गए आ, मैं समझदा गाहां नूं उह पंचायत मैंबर भी नहीं बनदे, इहो जी हालत इहनां लोकां दी होणी है, जिहड़ा पार्टी नाल गदारी करदा उह कदे वास्ते भी
बहाल नहीं होगा। रोड़ी साहब एक विपक्ष तुहाडे ते हमेशा सवाल उठाउंदा, शायद दर्शक भी गल जानना चाहुंदे होणगे कि रोड़ी साहब ने जिहड़े पिंडां नूं गोदी च लिया सी उह गोदी च चक्के नहीं गए सर, की लगता है सरकार ने तुहाडी सुनवाई नहीं कीती, तुसीं उहनां अगे जा के उहनां योजनावां नूं लागू करन दी कोशिश कीती होणी शायद तक, की असलियत की रही सर? जिहड़े इह सरकार वाले लाउंदे पहलां इह 10 साल इत्थे सरकार राज करके गए ने कांग्रेस वाले, पहला वह आपके गरीब झाकण उन्होंने की किया, फिर हूँ 5 साल तो BJP सरकार ने कर रही है वो झाकिया भी की करता। लेकिन इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, चौधरी ओम प्रकाश चटाला ने सरसे के जोड़ा काम करता अज तक उन्होंने पेंचर महीने लगे इन सरकारों तो ना कांग्रेस तो ना BJP तो। गल करद गोद लेते हुए पिंड की, मैं ये करके मैं दावा करदा गा कि जो मैं गोद लेता पिंड गुड़िया खेड़ा सी सब तो पहला, और उस पिंड प्रशासन वालों महकमे वालों बहुत समर्थन मिलिया और बढ़िया उन्होंने गुड़िया खेड़ा करके दिता। लेकिन उस तो बाद जो मेरा पिंड सीगा लंबी पिंड, लंबी पिंड इन्ना काम उन्होंने नहीं किया जिन्ना काम करना चाहिए सी, ये मतलब जो दूसरी बार गोद लिता गया उदो उन्होंने अणदेखी की गई, और पहली बार जो गोद लिता पेंदे सी उन्होंने वधिया तरीके नाल नवाउण दा काम किया। तो लड़ाई कैंडीडेट दी है, कौन बाहरी है तो कौन अपना तो कौन पराया, इतने वो कैंडीडेट आ जिहड़ा इतों के इलाके जानता इलाके च रहिंदा, ये दोने कैंडीडेट बाहरों आए हुए हैं, ये 2 महीने वास्ते आए हुए चले जाएंगे, उस कोठियों ताले होंगे इन्हें, इन्हों का इतने कुछ कोई लेन देन नहीं, ना इन्हों का मामा ना फुफा ना भूआ ना ताया, इन्हों का कुछ नहीं है, ना इन्हों के पिंड का पता किसी को, ना इन्हों का भैन भरा का पता, कोई लंबा दे देंगे असं, कोई यही नहीं कह सकता कि असं तमर के भरा लंबा दे देंगे, कोई यही नहीं कहूगा कि असं दुग्गर के भरा लंबा दे देंगे, कौन जानता उन्होंने इतने, लेकिन जो मेरा गा मेरे तो घर पट देंगे जाके जो कोई पता लग गया इन्होंने किसी चीज़ का है, तो लोग चाहते ने लोग देख रहे हैं कि कौन साडा तो कौन पराया, आने वाली 12 तरीक न हिसाब किताब पूरा कर देंगे, जेड़े पहले दूजे नंबर पर आना चाहते ना वो मैं लगता आपकी जमानत भी नहीं बचा सकते। अरुण साहब कांग्रेस के जो है कि इस बार चेहरा है अशोक तंवर जी, लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखने मिल रही है कि उन्होंने आपकी एक बार संसद में बैठ के जाके ना कदे आवाज़ चुकी, पर लोग हुण कह रहे कि हुण दोबारा तो वोटा मंगना आए, लेकिन लोगों की नाराजगी कि अज तक उन्होंने कदे अपना चेहरा तक नहीं दिखाया सर। तू कहना संसद च गया, मैं कहना सरसे च नहीं आया, संसद का गया हुआ हो दिल्ली बैठ गया हो जाके, लेकिन पिछले 5 साल जिहड़े देखे आ जिहड़ा हालात देखे कांग्रेस के, इत्थे जे कदे आ भी जांदा सी तां कार्यकर्ता नूं अंदर नहीं वड़न दिंदा सी, इन्हां दे बार के वैल लगी हुंदी सी जिहदा नां जग जांदा सी उहनूं जाके बुलाउंदे नहीं अंदर, बाकी किसे कार्यकर्ता नूं अंदर नहीं बुलाया जांदा सीगा। लेकिन इहे जे जे जेकर बंदे दूसरी बार मुड़ के आउणगे तां साडे सरसे दी जनता भोली भाली जनता भोले किसान ने, तां उहनां वास्ते बहुत वड्डी दिक्कत आ सकदी है, क्योंकि इह दोने ही नमस्ते लैण वाले आ, ये देने वाले नहीं, असी तो एक सरपंच लेवल तो उठे अच्छा पहले सत श्रीकाल कर देने अगले तो ये सत श्रीकाल लेंदे ने, इस लैंड के आके सत श्रीकाल देनी पैंती है ना कि लैनी पैंती है। अरुण साहब बहुत सारे सपने तुसी देखे से जो रह गए पूरे अजे की है जी योजनावां सिरसा के लिए जिहड़ियां तुसी चाहुंदे हो कि एक बार फिर तो तुहाडा कद बढ़े और वो चीज़ों इंप्लीमेंट जिहड़ा सही तरीके नाल कीता जाए। नहीं देखो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जदों जदों भी उन्हां दा मैनीफेस्टो आया जदों जदों उन्हां दा चुनाव आया उदों उदों नवें तो नवें तरीके नाल, जिस तरह कर्जा माफ़ी की गल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कर्जा माफ़ी का करा सरकार बनी, बिजली के बिल है ढाणियों वाले बिल अद्धे कर खत्म कर जाएंगे और पिंड वाले बिल अद्धे कर जाएंगे, बुढ़ापा पेंशन की गल आ जिते 100 रुपया हर पर माह सीगी वो 100 रुपया हर रोज़ करके 3000 रुपये पेंशन करी जाऊ, गरीब बेटी का विआह की गल 5.25 लाख रुपया हर गरीब बेटी दे हर गरीब के घर की बेटी को विआह शादी के उत्ते कार्ड दिता जाऊगा। ये तुसी चाह रहे हो कि चीज़ों इंप्लीमेंट थोड़ा सा। आखिरी सवाल मेरा, BJP ने कहा कि 15 लाख खात्या आवगे लेकिन लोगों हजे तक वो शायद खात्या आते दिख नहीं रहे, पर कांग्रेस इस बार नवा एक एजेंडा लेके आई है कि अब होगा न्याय एट द रेट 60,000 3,60,000, लेकिन कह रहे कि असं गरंटी लै रहे हैं कि हूँ मोदी सरकार ने कहा कि खाते च पावे, असं कह रहे गरंटी के खाते च पावे। नहीं गरंटी की गरंटी है इन्हों की, मैं तुम्हें पहले कही जाना कि यह इतों बग जूगा की गरंटी इन्हों की, इतने इन्हों की कोई गरंटी, जिमें पहला मोदी ने जुमला छड़िया सी उमें जेकर ये जुमला छड़ के किन्ना कामयाब हुंदा किन्ना फेल हुंदा वो जनता नूं पता गा, जनता नूं पता इन्हां दे विश्वास करके पहला देखिया होया, जनता नूं पता कि ऐसे झूठे बंदे ने, पहला मोदी झूठ मर के चले गए हुण ये कांग्रेस वाले झूठ मारे, कदे भी इन्हां नूं नहीं बख्शूगी, कदे भी इन्हां ते कोई विश्वास नहीं करूगा। मोदी साहब किन्ने वोटां नाल रिकॉर्ड तोड़ लिया सी? अरे मैं तुहानूं कह दिंदा कि मैं अपना रिकॉर्ड आप तोड़ूंगा, पहला मैं 1.25 लाख जितते सी और उस रिकॉर्ड नूं मैं तोड़ के 1.5-2 लाख लेके जाऊंगा ताकि इन्हां दी तसल्ली हो जाऊ चंगी तरह। बहुत बहुत शुभकामना सर, धन्यवाद। धन्यवाद।